और जानकारी लेते हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंकज राणा हैं, देहरादून में ही मौजूद है, और सूर्यांश सिंह भी, सूर्यांश सिंह के घर पर मौजूद है पंकज राणा। वो यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके परिजनों से बातचीत करेंगे पंकज, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। और अविनाश तिवारी भी लगातार मौजूद है, वो PM आवास दिल्ली से आपको हर एक जानकारी देंगे। सबसे पहले पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, वहां पर हालांकि ये चिंता वाली घड़ी है, हर कोई परेशान है जिसका बच्चा यूक्रेन में फंसा हुआ है। सूर्यांश के परिवार वाले क्या कहते हैं, किसी से बातचीत हो पाई है, कोई भरोसा उनको मिला है, क्या जानकारी है? बिल्कुल दीपा, देखिए अभी 2 घंटे पहले ही सूर्यांश के पापा की बात हुई है अजय सिंह बिष्ट की। अब वो वहाँ ठीक हैं और उनसे तमाम जानकारी उन्होंने ली है, लेकिन क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि हर कोई दुआ कर रहा है कि जो भी हमारे भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो वापस आ सके, सीधे उनसे बात करते हैं। अभी जी, क्या करता है आपका बेटा, क्या नाम है? मेरा बेटे का नाम सूर्यांश सिंह बिष्ट है और लिविव में मेडिकल कॉलेज में 2nd ईयर का स्टूडेंट है और 2 साल पहले गया था। पढ़ाई कर रहा है अभी तो, पर कंडीशन देखिए, सिचुएशन ऐसी टेंस हो रखी है। हम चाहते हैं कि बच्चा जल्द से जल्द घर पहुंचे और सब परेशान हैं। अभी लिविव में कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब तो नहीं है, पर दिन प्रतिदिन सिचुएशन ख़राब हो रही है, बॉम्बिंग हो रही है यूक्रेन में। तो अभी ये लोग ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं जहाँ हमारा बेटा है, तो सभी लोग बहुत परेशान हैं। अब बात कीजिए उनसे अगर हो सकती है तो। और लास्ट टाइम आपकी कब बात हुई थी उनसे, उन्होंने क्या? 2 घंटे पहले ही बात हुई थी और उस वक्त उठा ही था वो, क्योंकि 3.5 घंटे पीछे हैं वो लोग हमसे। देवांश छोटा भाई है सूर्यांश का, देवांश आपकी बात हुई भाई से? हाँ, मेरी होते रहती है। तो भाई ने क्या बताया आपको अभी? भैया ने बोला कि भैया मेरे से तो नहीं करते, मेरे पापा से ही करते रहते, मैं बीच में आके बस देखता रहता हूँ भैया के बाद, बस ऐसे ही कुछ बोल देते तो मैं सुनता हूँ। सुनते हो आप तो, ठीक है भाई वहाँ? हाँ बढ़िया है भैया, मेरे को तो भैया जल्दी आ जाए, बस ऐसे ही। देखिए छोटा भाई भी दुआ कर रहा है कि अपना भाई घर वापस आ जाए। तो बीजी, क्या क्या उन्होंने अपनी सिचुएशन भी बताई है वहाँ पे, क्या कह रहे हैं भाई? बेटा के यही कह रहा है कि भाई कंडीशन दिन प्रतिदिन ख़राब हो रही है और अभी दुकानों में भी भीड़ होने लग गई है और ATM में पैसे नहीं मिल रहे हैं और दिक्कतें हैं। अब जैसे वार टॉर्न कंट्रीज़ में होते हैं वैसे ही है, दिक्कतें हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे फ़ोन में बात हो जाए, एक बार कॉल कर रहा हूँ। क्योंकि जिस तरह की इस सिचुएशन में बनी हुई है, तो अभी कोई क्या अगल बगल में जो उनका पार्टनर है वो पार्टनर साथ में है या अकेला है? हाँ एक मिनट, उसके लिए बात हो गई है। हाँ बेटा, ये तो कपड़े भी नहीं पहन रखे तुमने। हाँ बेटा, उठ गया? अच्छा, नहा के निकला है। चल बेटा एक शर्ट पहन ले पहले तो। तो एक ये भैया आए हुए हैं न्यूज से, थोड़ा बात करना चाह रहे थे। पंकज सिचुएशन पूछेगा अभी जहाँ पर उनकी मौजूदगी है, सिचुएशन वहाँ पर कैसी है, उनके आसपास कैसा जी है, सब ये पूछेगा उनसे। सूर्यांश हेलो, हाय सूर्यांश हेलो, मैं पंकज बात कर रहा हूँ ABP गंगा से। कैसी सिचुएशन है अभी वहाँ, क्या स्थिति बनी हुई है? प्लेन्स की आवाज सुनाई दी गई है, जेट इंजन सबकी। और वैसे तो यहाँ पे लिविव में मैं काफी खुशकिस्मत हूँ जो अभी मैं शहर में हूँ, क्योंकि इस शहर को सेंचुरी जैसा बताया जा रहा है, लोकल सब बोल रहे हैं, क्योंकि सेंचुरी का मतलब है सुरक्षित स्थान। जी यहाँ पे कोई ज्यादा नहीं हो रही है मिलिट्री की इन सब की, और हम फिर भी काफी ज्यादा सीन जगह पे यहाँ पे बीच में रूमर स्प्रेड हो रही थी 11 बजे अपनी लाइट बंद कर, लेकिन वो हमने बच्चों में अवेयरनेस फैला दी थी कि ये दुश्मन देश ने करा है ताकि पावर ग्रिड पे लोड पड़ सके। तो ऐसे छोटी मोटी मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह स्प्रेड होती रहती है यहाँ पे, बहुत ज्यादा हो रही है। आप अभी रूम में आपका रूममेट है साथ में, और अभी आप अकेले हैं या क्या, वहाँ की क्या लग रहा है अभी आपको, क्या स्थिति बनी हुई है? मैं अपने रूम में अकेला हूँ, मेरा रूममेट अभी दूसरे शहर में फंसा हुआ है, वो किसी उज़्बेकिस्तान के बच्चे के साथ ड्राइव करके अभी आ रहा है, लिविव पहुँचने की कोशिश कर रहा है।
तो सूर्यांश, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट या आप यहाँ जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है, कोई मैसेज या आपको किस तरह का डर वहाँ लग रहा हो, आप आना चाह रहे हो इंडिया? सर वैसे इंडियन गवर्नमेंट सारे अभी मीटिंग हुई थी नरेंद्र मोदी जी की, इनकी और ज़ेलेंस्की के, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की के साथ अरेंजमेंट किए गए हैं, हमें पोलैंड बॉर्डर और शायद हंगेरियन बॉर्डर, इन सबके साथ में हमें बॉर्डर्स के थ्रू निकाला जा रहा है और वो काफी अच्छी तरीके से चल रहे हैं अभी प्रोग्राम्स। और फिर भी जो बच्चे बॉर्डर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए एयरलिफ्ट करने की सुविधा है और इंडियन एयरवेज किसी के थ्रू हमें निकालने की प्रक्रिया किया जाए। बाकी हम इंडियन एम्बेसी की सारी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने बोलिया है कि धैर्य रखिए, हम अपनी अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर रहे हैं कोशिश। और इतना ही। तो सुरेंद्र, ये कीव से कितनी दूर है आपका, जहाँ आप जिस सिटी में आप रहते हैं, तो वहाँ से कितनी दूरी की एरिया है ये जो जहाँ पे अभी हमले वगैरह की सूचना मिली? सर मैं हमले वगैरह की सूचना रशियन बॉर्डर पे मिल रही है सर, और कीव में और ओडिशा शहर में जो कि समुन्द्र तट पे स्थित शहर है, मैं पोलैंड बॉर्डर की तरफ रहता हूँ, बिल्कुल दूसरी तरफ कीव के, तो ये फिर भी काफी शांत है, इनसे मेरी दूराई काफी ज्यादा है। ट्रेन से अगर मैं कीव जाने की कोशिश करूंगा तो यहाँ से 8 से 9 घंटे की दूराई पे है। तो आपके साथ जो दूसरे स्टूडेंट हैं वो लोग कहाँ गए हैं अभी, आपकी उनसे बातचीत हो रही है, या जो आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं अपने इंडियन कितने स्टूडेंट हैं वहाँ पर? सर जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ सर, यहाँ पे मेरे को कोई ऐसे ठीक ठाक नंबर नहीं पता है, पर लेकिन मैं इतना दे सकता हूँ कि लगभग 1000 से 1000 करीबन या 7 से 1000 के बीच में कुछ इतने इंडियन स्टूडेंट्स होंगे एटलीस्ट। तो जो आपके जो फ्रेंड्स हैं वगैरह वो लोग कहाँ पे भी रुके हुए हैं, आपके रूममेट जो थे जो आपके अगल बगल रहते हैं? सर हमारे ज्यादातर जो दोस्त थे वो इंडिया निकल चुके हैं, इंडिया में सही सलामत है, अपने घरों पे आ चुके हैं, पर आधे से थोड़ा सा कम बच्चे अभी भी यहाँ पर रुके हुए हैं, ये अपने हॉस्टल्स में है, और कुछ बच्चे जिनकी उसी दिन की फ्लाइट थी जिस दिन एरियल बैन आ गया था, नो फ्लाइट्स को यूक्रेन के लिए, यूक्रेन की एयर स्पेस जिस दिन बैन हो गई थी उस दिन से वो बच्चे या तो कीव में अटके हुए हैं या तो विनिसिया नामक शहर में अटके हैं और वापस आ रहे हैं आदेश से। सूर्यांश, हम भी ये प्रार्थना करेंगे कि आप बिल्कुल ठीक से घर पे आ जाएं और आप बिल्कुल। अच्छा पंकज, जिनसे इनकी बातचीत हो पाई या फिर असेंबली से बातचीत इनकी हुई होगी, उससे भी लगातार कांटेक्ट ये कर रहे होंगे, वहाँ से भी इनको आश्वासन मिला होगा, जाहिर सी बात है, जिसका जिक्र वो भी कर रहे थे। ठीक है पंकज, ठीक है, आपके पास लौटेंगे, लेकिन अविनाश का रुख कर लेते हैं, वो लगातार दिल्ली से मौजूद हैं, वो हर एक जानकारी दे रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान दुआ ये कर रहा है कि जितने भी बच्चे वहाँ पर रहते हैं वो सकुशल वापस लौटे, क्योंकि हालात वहाँ पर बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। अविनाश, आपके पास क्या जानकारी है, कल हाई लेवल मीटिंग हुई उसके बाद जानकारी ये मिली कि जितने भी बच्चे वहाँ पर रहते हैं हिंदुस्तान के उनको पोलैंड के रास्ते से लाया जाएगा हिंदुस्तान, अभी ताज़ा जानकारी क्या है आपके पास? देखिए अगर बात करें तो विदेश मंत्रालय लगातार इस पर काम कर रहा है कि किस तरीके से यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हैं उनको निकाला जाए। अभी तक 20,000 भारतीयों की पहचान हो सकी है जो कि यूक्रेन में रहते हैं, उनमें से अगर बात करें तो 4,000 भारतीय अलग अलग राष्ट्रों से अलग देशों में जा चुके हैं, लेकिन 16,000 भारतीय अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं जिनको निकालने का काम विदेश मंत्रालय लगातार कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन से सटे हुए जितने भी देश हैं वहाँ पे अपने जो राजदूत हैं उनको अलर्ट पर रखा है और उनको वहाँ पे मदद पहुँचाने के लिए कहा गया है। खासतौर से अगर बात करें तो रोमानिया है, इसके अलावा हंगरी है, पोलैंड है, बेलारूस है, यहाँ पे तमाम तरह जो भारतीय राजदूत हैं उनको ये कहा गया है कि यूक्रेन से जो बच्चे आ रहे हैं रास्ते के जरिए उनको वहाँ पे मदद पहुँचाई जाए और उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। जो लोग अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम जारी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और ये कहा कि जो भारतीय वहाँ पे हैं उनको इवैक्यूएट किया जाए। रूस के राष्ट्रपति ने भी भरोसा दिलाया है कि जितने भी भारतीय हैं वहाँ पे उनकी रक्षा की जाएगी और उनको सुरक्षित घर पहुँचाया जाएगा। विदेश मंत्री भी लगातार यूक्रेन के विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री से बातचीत कर रहे हैं भारतीयों को वहां से वापस निकालने के लिए। एयरफोर्स को अगर बात करें तो यहां पे अलर्ट पर रखा गया है, जैसे ही वहां पे अगर बात करें तो पोलैंड, हंगरी या रोमानिया में भारतीयों की संख्या ज्यादा बढ़ती है तो एयरफोर्स के विशेष विमान को यहां से भेजा जाएगा और वहां से भारतीयों को निकाला जाएगा। हालांकि अगर अभी बात करें तो जिस तरीके से यूक्रेन में लगातार रूस हमला कर रहा है इस वजह से वहां पे एयर ट्रैफिक नहीं है, वहां पे कोई भी विमान नहीं जा पा रहा है, इस वजह से यूक्रेन में भारत का कोई विमान नहीं जा पा रहा है। जितने भी लोग यूक्रेन में फंसे हैं पहले उनको सड़क मार्ग
के जरिए जो पड़ोसी मुल्क है, खासतौर से अगर बात करें तो पोलैंड, रोमानिया और इसके अलावा बेलारूस और हंगरी, यहाँ पे पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। फिर उसके बाद वहाँ से हवाई यात्रा के जरिए उनको भारत लाने की कोशिश की जा रही है। विदेश मंत्रालय ने लगातार पूरी कोशिश ये है कि जितने भी छात्र वहाँ पर है उनको सकुशल वापस लाया जाए। कल हमने देखा पुतिन से भी देर रात बातचीत हुई, आपने भी इसका जिक्र किया, बातचीत हुई और पीएम ने सर्वोच्च प्राथमिकता यही बताया कि जितने भी वहाँ पर रहते हैं यहाँ के छात्र या फिर यहाँ के लोग, उन सभी को लाना और उनकी सुरक्षा के लिए भी चिंता जाहिर की। और ये भी कहा कि इस तरीके से युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं है, बातचीत से ही मसले का हल निकाला जाना चाहिए, इस बात का जिक्र भी पीएम ने किया था। अब लगातार नजर यह है कि सभी वापस लौटे, वतन वापसी हो। शुक्रिया पंकज और अविनाश आपका पूरी जानकारी।